working around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow So yes, people are already waiting. Hi, hello, 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 Mohish. कितने बजे निकला सुबह से? मैं निकला 4:45. 4:45, बाप रे. कृतार्थ. कृतार्थ. Okay. मेरे साथ वरद है. और guys, मैं आपको एक टिप बताना चाहूँगा. It is a safety tip. कि अगर आप आपके बड़ी का वेट कर रहे हो आपके मीटिंग पॉइंट पे और बड़ी अगर नहीं पहुंच रहा है टाइम पे तो उसको प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि वो भी राइड कर रहा है और ऐसा करते करते शायद वो रुक जाए या साइकिल चलाते चलाते ही मोबाइल निकाल के कॉल अटेंड कर ले. सो इट इज़ वेरी डेंजरस टू दैट राइडर. सो बेटर है कि आप वेट कर लो और टाइमिंग में नहीं पहुँचता तो आप निकल जाओ और उसको लाइव लोकेशन छोड़ देना. So can we just slow? जब भी आप ग्रुप में साइकिल चलाते हो और किसी के लेफ्ट राइट जा रहे हो तो ज़रूर वो राइडर को बताना या उसको कॉल आउट करना. मोइस की राइड है, वो सुबह 4:30 को चालू हो गई थी. मोइस केम फ्रॉम ऑल द वे डॉकियार रोड्स. मोइस कैसे लग रहा है यहाँ पे आके तुझे? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत क्लाइमेट बहुत सही है. क्या हुआ, पंक्चर हो गया? ओ फ्रिक. तो टायर ट्यूब कुछ है? मूड ऑफ भी हो जाता है एक्चुअली. सुबह लोग उठते हैं साइकिलिंग के लिए और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं नेचर, बट ये होता है. और हमेशा हमेशा ही व्लॉग में मैं बोलता हूँ कि गाइज आप एटलीस्ट एक स्पेयर टायर ट्यूब अपनी साइकिल की रख लिया करो, क्योंकि इसका हाइब्रिड है. मेरे पास MTB है. अगर इसका 27.5 भी होता तो मैं दे नहीं पाता क्योंकि मेरा MTB का है. बट दिस इज़ अ लर्निंग. ओके और ठीक है. ओके मिलते हैं. प्रवीण, मैं भी प्रवीण हूँ, ये भी प्रवीण है. सो डोंट कन्फ्यूज. यहाँ पे दो प्रवीण है आज के राइड में और आगे है तत्व जो साइकिलिंग DNA तत्व में पहले से ही था और प्रवीण उसको लाता रहता था. तो ये एक अच्छी बात होती है कि बचपन से अगर आप साइकिलिंग से जुड़े हो तो आपका फिटनेस भी बढ़ जाता है. और मैंने अभी एक ऑब्जर्व किया है कि तत्व की हाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. सो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि भाई साइकिल चलाओ और हाइट बढ़ाओ, तो सही है वो कि साइकिल चलाने से हाइट बढ़ती है, क्योंकि तत्व की ये जो साइकिल अभी मुझे छोटी लग रही है उसकी हाइट इतनी बढ़ गई है. और ये भी बर्थडे पे गिफ्ट की थी प्रवीण ने उसको. एक्चुअली भावेश थोड़ा स्पीड में था तो कुछ लोग सनी और वो सब आगे निकल गए. और मनोरे हिल्स के लिए दो एंट्रेंस है तो अभी फिर साथ में नहीं रहते ना तो यही मिसमैच हो जाता है. यहाँ से अंदर ऑलवेज राइड विद अ ग्रुप. ज़्यादा आगे मत जाना, ज़्यादा पीछे मत रहना, ग्रुप के साथ चलना ताकि जिनको लोकेशन पता नहीं है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. और राइड करने से ज़्यादा सब जगह पे वेट सबका वेट ही करते रहो तो राइड का टाइम भी निकल जाता है. So can we just slow? ये है आज का डेस्टिनेशन. आप देख ही सकते हो यहाँ से जो व्यू है. बहुत सारे साइकिलिस्ट आए हुए हैं, मतलब कुछ तो हमारे ग्रुप के हैं बट सम अदर साइकिलिस्ट आर ऑल्सो देयर. बहुत ही बढ़िया सीशोर दिख रहा है, रॉकी सीशोर. और सनराइज़ भी हो रहा है जो कि ऑलरेडी हो गया है. एक्चुअली मनोरे हिल्स आते हो तो थोड़ा जल्दी आ जाना ताकि आपको यहाँ से जो सनराइज़ है वो बहुत ही अमेजिंग दिखता है.
सीनिक दिखता है। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow नीता, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जब भी हमारी साइकिलिंग राइड होती है, फीमेल पार्टिसिपेशन कम क्यों होता है? अच्छा, आप लोगों को अपना डर और इनहिबिशन छोड़ के राइड पे आना चाहिए। इट्स गुड टू वियर दिस काइंड ऑफ गियर, यू डू नॉट नीड टू बी एम्बैरेस्ड। इट्स गुड। अच्छा, मतलब एक पॉइंट नोट करना, नीता यहाँ पे जो मेंशन कर रही है स्पेशली कि जो साइकिलिंग गियर्स होते हैं, बेसिकली जो स्किन टाइट वेयरिंग होता है, सो मुझे लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि स्किन टाइट ही पहनना चाहिए। लॉट मोर स्पोर्ट टी-शर्ट्स आर देयर, अदर थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड कवर योरसेल्फ वेल। लाइक यू कैन सी, आई हैव कवर्ड माय सेल्फ वेल, सो आई डोंट गेट सन टैन एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट बहुत ज़रूरी होता है कि हम बाहर निकले, हम एक्सप्लोर करें अपना सराउंडिंग्स। हमें पता भी नहीं होता है कि, मुझे नहीं पता था मनोरी हिल्स, तो थैंक्स टू प्रवीण एंड दी ग्रुप आई वॉज एबल टू एक्सप्लोर दिस, एंड इट वॉज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। आई एम श्योर आई विल कम अगेन इन फ्यूचर। सेफ्टी इज वन मोर बिगेस्ट कंसर्न अबाउट द फीमेल साइकिलिस्ट, सो इज दैट ट्रू? और तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस है? आई थिंक बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप पब्लिक प्लेसेस है और थोड़ा सेफ है राइड करना, बट मुंबई में सेफ है राइड करना? मुंबई में काफी सेफ है राइड करना, मुझे अभी तक कोई भी अनटूवर्ड एक्सपीरियंस। सोलो प्रीफर करोगी? सोलो पसंद है मुझे और सोलो राइड काफी करती भी हूँ। या ग्रुप राइड? ग्रुप राइड भी अच्छा होता है, आई थिंक दोनों एक्सप्लोर कीजिए। आपको पता नहीं आपको जहाँ कहाँ ज्यादा पसंद आएगा, बट मुझे ये ग्रुप बहुत अच्छा लगा। सो आई हैव मोस्टली डन सोलो, बट ग्रुप भी बहुत मजा आता है। सो नीता एक मेंशन कर रही है कि मुंबई में सोलो साइकिलिंग फीमेल साइकिलिस्ट के लिए भी सेफ है, बट मुझे लग रहा है बहुत सारी फीमेल साइकिलिस्ट है वो अर्ली मॉर्निंग डार्क इसमें निकलना प्रिफर नहीं करती है। सो अगर आपको साइकिल चलाना है तो आप 7 बजे के बाद शुरू कर सकते हो, 6:30 और 7 AM ऑनवर्ड्स, और शाम, करेक्ट, और शाम को करने हो तो आप 4 बजे से लेके 7 बजे तक या 8 बजे तक, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो। वैसे तो आपका इट्स योर ओपिनियन कि आप कब साइकिलिंग करना चाहो। आज हमारे साथ थी 2 फीमेल साइकिलिस्ट, एक थी नीता जिसको आपने सुना ही होगा वीडियो पे, और दूसरी थी श्रुति। तुम ग्रुप राइड प्रीफर करोगी या सोलो राइड प्रीफर करोगी? ग्रुप राइड। ग्रुप राइड। सोलो राइड? सोलो राइड भी ठीक है। ठीक है, तो मुंबई में ज्यादा फीमेल साइकिलिस्ट के लिए मतलब ऐसा कोई परेशानी नहीं है, सोलो साइकिलिंग भी कर सकते हैं। या तो मुझे बात बताना, जस्ट योर एक्सपीरियंस कि तुम जब साइकिलिंग करते हो फादर एंड सन, तो एक कैसा लगता है तुम दोनों को? मतलब इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर हम लोग दोनों चल रहे तो हम लोग को किसी की जरूरत ही नहीं। वी बोथ आर टुगेदर विद नेचर। यू मीन टू से बेस्ट बड़ी? 100% नो डाउट। और नेचर भी है, साइकिल भी है, साइकिल तो वैसे भी सबका बेस्ट बड़ी है, बट अगर आपके साथ आपका
सन भी साइकिलिंग कर रहा है या डॉटर साइकिलिंग कर रही है, तो वो एक्सपीरियंस कुछ ट्रिपल, मतलब क्या बोलूं मैं, 100 times बेटर हो जाता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी प्रवीण पोस्ट करते हैं तो वी वोट दैट प्रवीण क्या राइड कब करेंगे, और वो ऑफ रोडिंग इनफैक्ट तत्व को बहुत ज्यादा पसंद है, ही लव्ड ऑफ रोडिंग, ऑफ मतलब वो साइकिलिंग वाला रूट ऑफ रोडिंग हो तो पहले जाना चाहेगा। तत्व तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है? कुछ नहीं, मुझे वो नेचर देखना बहुत पसंद है, तो ऑफ रोडिंग हो या कैसा भी हो, मुझे तो सिर्फ वो नेचर का वो व्यू देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ और एक फादर एंड सन पेयर है आज के राइड के लिए, जैसे प्रवीण और तत्व था, तो आज है आरव और सुशील। तो सुशील कैसा लगता है सन के साथ साइकिलिंग करते करते? आप अकेले तो बहुत बार करते हो, बट आज आपके साथ सन भी है। हाँ, अच्छा लग रहा है विद द सन, इट इज अ लिटिल डिफरेंट एक्सपीरियंस। आरव तो साइकिलिंग भी है, खाना भी चालू है, फ्रूट्स, वाओ, काफी हेल्दी चीजें चालू है। पहले तो तुम्हारा नाम बताना। जागृत। जागृत। हाँ। तो जागृत, आज तुम्हारा फर्स्ट टाइम था हमारे साथ। हाँ। साइकिलिंग के लिए मेरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ पे प्रवीण होराइजन का अभी प्रेजेंस है, तो जागृत ने वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट किया था, और जागृत पार्ट है मेरे पर्सनल साइकिलिंग ग्रुप का। सो जागृत, तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर करना, कैसे रहा आज का? आज मजा आया, पहली बार ग्रुप के साथ राइड किया, नहीं तो फिर सोलो राइड से जाता था। ओके। सो पहले बार ले, अच्छा एक्सपीरियंस था, अब से आया करूँगा अगर वही राइड पे होगा तो। सो यही होता है कि अगर लोकेशन अच्छा हो और आपके साथ आपके बडीज भी बहुत अच्छे हो, जो आपको कंपनी देते हैं, आपके साथ रहते हैं हर बार, आपको छोड़ के नहीं जाते बेसिकली, तो एक मोटिवेशन रहता है साइकिलिंग के लिए भी। आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर दबाना, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ हो वो आप तक पहुँचे। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना कि ये वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। आप मेरे पीछे देख ही सकते हो कि बहुत सारे राइडर्स रिटर्न आ रहे हैं मनोरी हिल से अभी, और यहाँ से हम जाएंगे गोराई जेटी और बैक टू होम। सो कैसा लगा तुम्हें? बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, यस, हमें भी बहुत मज़ा आया। और अभी थोड़ा सा धूप बढ़ रही है, इसलिए आप अर्ली मॉर्निंग साइकिल करोगे तो ये धूप आने से, मतलब सनराइज जितना ब्यूटीफुल होता है उतना ही बाद में धूप जब ज़्यादा निकलती है तब साइकिलिंग करना थोड़ा सा ह्यूमिड सिचुएशन में मुश्किल हो जाता है। तो इसी के साथ अर्ली राइड करना, और ताकि आपका राइड भी 10 बजे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए और आप घर पर भी पहुँच सको, और आपका पूरा जो दिन है, जो स्केड्यूल होता है आपका, वो अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाए, तो आपका फिटनेस भी हो जाता है और साइकिलिंग के साथ साथ आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी हो जाता है। सो यस, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म कर देते हैं। सो बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड कीप इंस्पायरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू साइकिलिंग होराइजंस। बाय बाय करता गाइज, बाय 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 बाय।